out again. हेलो गाइज, दिस इज कुंदन, वेलकम टू माई चैनल केविंग्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइज माई फर्स्ट एवर DSLR जो कि है कैनन 1500D। ये गाइज मैंने कैमरा परचेज किया था आज से 2 साल पहले जनवरी 2019 में। उस टाइम ये कैमरा न्यू लॉन्च हुआ था एंड ये कैमरा बिल्कुल परफेक्ट था एक बिगिनर फोटोग्राफर्स के लिए जो कि कैमरा सीखना चाहते हैं, DSLR यूज़ करना सीखना चाहते हैं उनके लिए। एंड आज भी ये परफेक्ट कैमरा है एक बिगिनर फोटोग्राफर्स के लिए। यह कैमरा 1855mm लेंस के साथ आता है जिसका मिनिमम अपर्चर वैल्यू 3.5 से लेकर 5.6 तक जाता है। लेंस को कैमरे में अटैच करने के लिए हमें लेंस के ऊपर दिए गए वाइट डॉट को कैमरे के ऊपर वाइट डॉट से मैच करके हमें क्लॉकवाइज रोटेट कर देना है। किट लेंस में इमेज स्टेबलाइजेशन भी दिया हुआ है। इसमें ऑटो फोकस एंड मैनुअल फोकस का भी स्विच दिया हुआ है। एंड इस कैमरे में 3 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि एक नॉन टच स्क्रीन है। कैमरे के ऊपर में हमें मूड डायल बटन देखने को मिलता है जिसके थ्रू हम डिफरेंट मूड्स में कैमरे को यूज़ कर सकते हैं। डायल के पास ही ऑन ऑफ बटन देखने को मिलता है। व्यू फाइंडर में हमें 9 ऑटो फोकस पॉइंट देखने को मिलता है। ऊपर में एक डायल दिया हुआ है जिसके थ्रू हम शटर स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हमें बैटरी LPE10 7.4 वोल्ट 860mAh लिथियम आयन देखने को मिलता है जिससे हम व्यू फाइंडर के थ्रू 600 इमेज आराम से क्लिक कर सकते हैं एंड वीडियो हम इससे फुल चार्ज पे 30 मिनट्स तक का शूट कर सकते हैं। बैटरी कंपार्टमेंट के साइड में ही मेमोरी कार्ड का स्लॉट दिया हुआ है। इसमें हमें गैस 24.1 मेगापिक्सल इमेज सेंसर देखने को मिलता है। इसमें डिजिक 4 प्लस इमेज प्रोसेसर दिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छे फोटोज क्लिक कर लेता है। इमेज में कलर्स भी काफ़ी अच्छे दिखते हैं। ISO रेंज की बात करें तो गाइज 100 से लेकर के 6400 तक इसमें ISO वेरी करता है। बट गाइज इसमें लो लाइट परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। मैं यूजुअली इसे 800 ISO तक ही यूज़ करता हूँ। 800 के ऊपर इमेज में काफ़ी नॉइस या फिर ग्रेन्स देखने को मिलता है। बट गाइज हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये एक एंट्री लेवल DSLR कैमरा है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें पॉजिटिव साइड ये है कि इसमें इनबिल्ट फ्लैश देखने को मिलता है। इसमें शूटिंग स्पीड हमें 3 FPS का देखने को मिलता है यानी कि हम कंटिन्यूअस 1 सेकंड में 3 फोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। इस कैमरे में वाईफाई और NFC भी दिया हुआ है। इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग 1080p 24 फ्रेम्स पर सेकंड, 25 फ्रेम्स पर सेकंड एंड 720p 50 फ्रेम्स पर सेकंड एंड 480p 25 फ्रेम्स पर सेकंड तक शूट कर सकते हैं। तो अब आते हैं कंक्लूजन पर गाइज, क्या ये कैमरा अभी आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं बस यही कहूँगा गाइज कि अगर आप फर्स्ट टाइम DSLR खरीदना चाहते हो, थोड़ा बहुत आपको इमेज क्लिक करना है, तो आप ये कैमरा ज़रूर खरीद सकते हो। एंड ये कैमरा बिगनर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है जो फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं एंड DSLR को यूज़ करना चाहते हैं। करंटली इसका प्राइस Amazon एंड Flipkart पे 30,000 के अराउंड रहता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। तो गाइज यही था इस वाली वीडियो में। पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसा लगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।